अब इस तरह नहीं बनाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आज हमारे इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 है। जिन बच्चों ने स्कूल से वर्कशीट्स नहीं ली, वो स्कूल से वर्कशीट्स ले लें और हमारे साथ काम स्टार्ट करें। और जिनको इन बाकी लेक्चर्स पिछले नहीं मिले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट भी मिल जाएँ और पिछले भी आपको लेक्चर्स टाइमली मिल जाएँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड वर्ड से। हमारे दो वर्ड्स मिलकर किस तरह एक नया वर्ड बनाते हैं, जिस तरह स्टार है और फिश है। स्टार सितारे को कहते हैं और फिश मछली को। लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइंट करते हैं तो ये हमारे पास एक नई चीज़ बन जाती है, वो है स्टार फिश। ठीक है, जैसे ये एक सन है और एक फ्लावर है, इन दोनों को मिला के एक बनेगा फ्लावर, सन फ्लावर। इस तरह ये बाकी पिक्चर्स भी दी गई हैं, आपने इन वर्ड्स को कंपाउंड करना है यहाँ तक, और साथ में इनके आपने इनके साथ देखने हैं किस तरह न्यू वर्ड्स बनने हैं। यहाँ पर भी सेम वर्ड्स दिए गए हैं, ज्वाइन एंड राइट कंपाउंड वर्ड्स करेक्टली। इन जो वर्ड्स को जो है आपने ज्वाइंट करना है और कंपाउंड करना है, जिस तरह यहाँ पर लिखा है एक वाटर और एक है बोटल, तो आपने यहाँ पर लिखना है वाटर बोटल, मतलब कि आपकी पानी की बोटल, तो वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। यहाँ पर डबल ओ वाले डायग्राफ लिखने हैं, मतलब कि डबल ओ वाले वर्ड्स लिखने हैं जिसमें साउंड सेम हो, जैसे बुक, फुट, हुक। यहाँ पर आपने नीचे फिल कर लेना है। यहाँ पर भी डबल ओ वाले वर्ड्स लिखने हैं, स्पून, मून, रूम और ब्रूम। इन सब की सेम साउंड आएगी, आपने इसी तरह इनको कंप्लीट करना है। मैच द कलर्स विद द पिक्चर, आपने कलर्स के साथ पिक्चर को मैच करना है। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन क्या होता है, लीव। येलो है तो वो होता है मैंगो। ब्लैक है तो वो होंगे शूज़। ठीक है, आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर एक प्रोफेशंस के नेम दिए गए हैं, आपने इन प्रोफेशंस के नेम को ज़ुबानी याद करना है, जैसे पायलट, फार्मर, डॉक्टर, पुलिसमैन एंड टीचर। आपको नेम ऑफ प्रोफेशंस दिए जाएंगे, नीचे फिलिंग की ब्लैंक्स छोड़ी जाएगी या वो सारी की सारी जगह खाली छोड़ी जाएगी। आपने ये स्पेलिंग्स खुद से बगैर किसी की हेल्प के लिखने हैं, और ये कॉलम्स पायलट के साथ आपने उसकी पिक्चर को मैच करना है, और यहाँ पर फॉर्मर है तो आपने उसकी पिक्चर के साथ मैच करना है, लेकिन ये स्पेलिंग्स आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर चार पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट। यहाँ पर एस जी ई एम लिखना है आपने, ए को कटिंग कर दीजिए। और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, आपको इस तरह पेपर में पिक्चर दी हुई आ सकती है, लेकिन इसके अलावा आपको ये जो स्पेलिंग्स हैं, हो सकता है ये वर्ड बैंक के बगैर आए, आपने ये जो स्पेलिंग्स हैं ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं, बगैर किसी की हिंट के और बगैर किसी हेल्प के इसको आपने ज़ुबानी लिखना है। यहाँ पर है आइडेंटिफाई द गिवन नंबर नेमिंग वर्ड्स एज अ नेम और अ थिंग एंड राइट द रेलिवेंट वर्ड्स। यहाँ पर आपने चीज़ों के नाम दिए गए हैं और मतलब नाम दिए गए हैं और कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। आपने नेम्स अलग लिखने हैं और चीज़ों के नेम अलग लिखने हैं। यहाँ पर राइट वर्ब फ्रॉम द गिवन पिक्चर, इसमें से वर्ब लिखनी है निकाल के, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर उस हिसाब से लिखना है, टू राइट, टू प्ले। तो ये कुछ बच्चे हैं वो झूले भी ले रहे हैं, टू स्विंग, टू स्विम्स। इस तरह आपने ये सारे के सारे नीचे वर्ब्स लिखने हैं, और इनको भी आपने उसी तरह वर्ब्स के साथ कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर सामने पिक्चर्स दी गई हैं, तो गर्ल्स क्या कर रही हैं, प्ले, तो हमने लिखना है द गर्ल प्लेज विद द डॉल। ठीक है, और यहाँ पर इन सर्कल द एक्शन वर्ड्स, यहाँ पर एक्शन वर्ड्स वो हैं जिसमें आप कहीं कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईट हमारा काम है, मतलब हम कर रहे हैं कुछ तो वो ईट हो जाएगा। जैसे आप लिख रहे हैं तो लिखना आपका काम है, तो वो हमारा एक्शन वर्ड हो जाएगा, तो हमने इस तरह के काम को सर्कल कर देना है। यहाँ पर आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब्स को ज़ुबानी याद करना है, इज़, एम, आर, वाज, वर और हैज़, हैव, मे। इन सब वर्ड्स को इस तरह याद करना है और इनको इसके अंदर अच्छी तरह यूज़ करना है। ओ यू वाला डायग्राफ है, आपने इनको सेम साउंड्स वाले जो वर्ड्स हैं इसके अंदर आपने लिखने हैं, हाउस, माउस और क्लाउड। आपने डबल ओ लिखना है, ओ यू लिखना है
और इसको कंप्लीट करना है। और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज़ करिएगा और अपनी जो नोटबुक है उस पर भी इसको रफ काम ज़रूर करेंगे ताकि आपको ये सारे का सारा काम भूले नहीं। अल्लाह हाफिज़।